नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ई कंसल्टेंसी में। मैं हूं प्रकाश शर्मा, आपका लीगल कंसल्टेंट। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारी भारत सरकार है, जिसकी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है NGOs के लिए। क्यों? ताकि वह हमारे भारत के कल्चर को प्रमोट कर सकें। अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की स्कीम के बारे में, जिसका नाम था कल्चरल प्रोडक्शन फंक्शंस ग्रांट, ठीक है, जो उसके बारे में मैंने आपको बताया, जिसमें 5 लाख रुपए की सहायता आपको मिलती है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक स्कीम के बारे में जिसमें 2 करोड़ रुपए तक की सहायता आपकी NGO को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से मिलती है। उसकी कुछ नियम और शर्तें होती हैं, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जिस स्कीम की हम लोग बात कर रहे थे वो कल्चरल फंक्शन प्रोग्राम है, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन विद नेशनल प्रेजेंस, जिसका नाम है, ठीक है। अब इसकी लास्ट डेट सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो इसकी लास्ट डेट 25 अक्टूबर है। आज के इस वीडियो में हम लोग जिन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग वो जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहला अबाउट एंड स्कोप ऑफ द स्कीम के बारे में मैं आपको बताऊंगा, फिर आपको बताऊंगा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फिर वर्क टू बी डन, मतलब आपके NGO को क्या करना होगा इसमें, ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कौन कौन से होंगे, मोड ऑफ सबमिशन क्या होगा, फंडिंग पैटर्न क्या होगा, अमाउंट फॉर NGO, कितना ग्रांट इन एड मिलता है, और बोनस टिप्स आपको मैं लास्ट में कुछ बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि कुछ स्कोप मैंने हाईलाइट करके यहाँ पे रखा हुआ है। इसको मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगा कि जो ये डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, ये किस लिए काम करता है। हमारी भारत की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, हमारी भारत की संस्कृति को प्रमोट करने के लिए। तो वही यहाँ पे स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि द स्कीम कवर्स ऑल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, NGO, सोसाइटी, ट्रस्ट एंड यूनिवर्सिटीज फॉर सपोर्टिंग दिस सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, रिसर्च, वर्कशॉप, फेस्टिवल्स, प्रोडक्ट कह सकते हैं आप, ड्रामा, थिएटर, म्यूजिक एक्सेट्रा, एंड स्मॉल रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं। क्यों? ताकि वह हमारे जो भारत के कल्चर है, हमारे जो इंडिया का कल्चर है, उसको प्रमोट कर सके, ठीक है। यह इसका मेन मोटिव है, मेन ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। कम से कम 3 साल पुरानी संस्था, सोसाइटी, ट्रस्ट या सेक्शन 8 रजिस्टर्ड हो, 3 साल पुरानी होनी चाहिए कंपल्सरी, ठीक है। अब यहाँ पर ही जानना को जरूर, 3 साल में भी आपने काम किया हो, 3 साल की आपकी वर्किंग प्रोफाइल, यानी कि गुड वर्किंग प्रोफाइल आपकी संस्था की हो, 1 करोड़ तक का टर्नओवर लास्ट 3 ईयर्स में आपकी संस्था का हो, और प्रॉपर बायलॉज का मतलब होता है समिति पत्र, नियमावली, अगर सोसाइटी है तो ट्रस्ट है तो ट्रस्ट भी बनी हो, उसमें सब चीज़ें मेंशन हो, सेक्शन 8 कंपनी है तो उसमें पॉइंट्स वगैरह मेंशन हो, तो ये होता है प्रॉपर बायलॉज, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाला था वर्क टू बी डन बाई और NGO के बारे में। इसमें देखिए बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे भारत की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम्स निकालता है, ठीक है, ये डिपार्टमेंट ही इसलिए बना है। तो जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ मैंने एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, जैसे कुछ डांस प्रोग्राम है, कला एवं संस्कृति से रिलेटेड प्रोग्राम्स यहाँ पे ऊपर मेंशन है, कुछ इमेजेस में आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। मैंने एक लास्ट वीडियो भी बनाया था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, जिसमें 5 लाख रुपए मिलता है, उसमें भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि सेम मिनिस्ट्री है, बस फर्क इतना है कि उसमें 5 लाख रुपए मिलता है, इसमें 2 करोड़ रुपए तक का फाइनेंशियल असिस्टेंस है। जो संस्था एक्सपीरियंस है, मतलब यानी जिन्होंने कुछ ना कुछ काम किया है और इनके टर्नओवर 1 CR का 3 ईयर्स में हो गया है, ठीक है, अब यहाँ पर वो सभी संस्थाएं एलिजिबल हो जाती है। क्या होता है, अब यहाँ पर 2 बातें हमें समझना जरूरी है, क्या, कि जो हमारी संस्था है वो हमारे भारत के कल्चर को प्रमोट करे पैन इंडिया लेवल पे। नेशनल प्रेजेंस की मैंने आपसे बात की थी ना, तो नेशनल प्रेजेंस का मतलब होता है कि जो हमारे नेशनल यानी कि राष्ट्रीय लेवल पे संस्थाएं कार्य कर सके। यहाँ पे आपको 2 चीजें, यहाँ पे आपको एक बात और समझना जरूरी है कि अगर आपकी ट्रस्ट है तो आप एलिजिबल हैं, अगर सोसाइटी है और वो नेशनल लेवल की है, ठीक है। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो पैन इंडिया काम कर रही थी, सोसाइटीज की बात कर रहा हूँ, एलिजिबल है तो सभी इस प्रोग्राम को लगा सकते हैं। सेक्शन 8 कंपनीज तो पूरे भारत में काम करने के लिए वैलिड होती ही होती है, ठीक है। ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी सोसाइटी है और नेशनल लेवल की नहीं है तो आप इस प्रोग्राम को नहीं कर पाएंगे। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। पहले देख लीजिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बायलॉज,
पैन कार्ड, तीन साल के ऑडिट एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट, आधार पैन जो संस्था के ऑथराइज पर्सन है, मोबाइल एंड ईमेल, कैंसिल चेक, और अगर आप प्रोजेक्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की बात करें, अगर आप हमारे द्वारा प्रोजेक्ट लगवाते हैं तो हम इन डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं, जैसे अनेक्सर प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट, फॉर्म्स, एफिडेविट्स, प्रपोजल, बजट, सेल्फ सर्टिफिकेट एंड अदर डॉक्यूमेंट, जो भी डिपार्टमेंट की फॉर्मेलिटीज वगैरह होते हैं उन सबको हम लोग भी पूरा कराते हैं अगर आप हमारे माध्यम से इस प्रोजेक्ट को सबमिट करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं, मोड ऑफ सबमिशन। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा मोड ऑफ सबमिशन के बारे में। मोड ऑफ सबमिशन इस प्रोजेक्ट का कंप्लीटली ऑफलाइन है। ऑफलाइन मतलब इस प्रोजेक्ट को प्रिंट लेना है, साइन स्कैन करना है और डिपार्टमेंट में पोस्ट कर देना है, ठीक है। यह इसका सिंपल सा एक सबमिशन का कॉन्सेप्ट है जो आप लोग जानते हैं। ऑफलाइन प्रोजेक्ट और ऑनलाइन प्रोजेक्ट के बारे में, ऑनलाइन ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल की जाती है, ऑफलाइन में जो फॉर्मेलिटीज हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको कुरियर किया जाता है डिपार्टमेंट। पैटर्न एंड अमाउंट, इसके बारे में अब हम लोग बात कर लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हमारे वीडियो का। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है ये आपको क्या करेगा, ये आपको अलाउ करता है कि जो ग्रांट है आपको मिलेगी। फॉर एग्जांपल आपको अगर 2 करोड़ रुपए मिलते हैं, अगर आपको ग्रांट मिलता है तो उसमें 25% का जो अमाउंट होगा, एग्जांपल में ले लेते हैं, अगर आपको 1 करोड़ रुपए मिलता है, ठीक है, और अब डिपार्टमेंट कहता है कि जो 25% अमाउंट यानी 25 लाख रुपए तक तो आप अपने एनजीओ के एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सपेंस कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, कुछ मेंटेनेंस होता है आपकी संस्था का, ठीक है, जो कुछ आप कह सकते हैं आप कुछ उसमें अलग से पे करते हैं, आपकी संस्था के मेंटेनेंस होते हैं, रजिस्ट्रेशन होते हैं, एक्सेट्रा, इसके लिए आप यूज कर सकते हैं। लेकिन बाकी का जो 75% बजट है यानी कि 75 लाख रुपए है, वो उन प्रोग्राम्स में ही लगना चाहिए। उन प्रोग्राम्स में जो आर्टिस्ट आप हायर करेंगे उनकी ये जो आप पेमेंट देंगे, उसमें जो आप टेंट लेंगे, जो आप जगह वेन्यू लेंगे, जो आप साउंड सिस्टम लेंगे, जो आप मतलब एक्स वाई जेड जो भी आप उस प्रोग्राम को खर्च कर प्रोग्राम को करने के लिए खर्च करेंगे, वो 75% मिनिमम होना ही चाहिए। उतना आप खर्च करेंगे ही करेंगे उस प्रोग्राम में, ठीक है। ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि आपको कितना अमाउंट मिल जाना है। नॉर्मली क्या बताया गया है कि 1 करोड़ रुपए तक का तो आप अप्लाई कर ही सकते हैं, एंड असिस्टेंस जो है मिनिस्ट्री की तरफ से वो 2 करोड़ रुपए तक एक्सटेंड किया जा सकता है। ओके, 2 करोड़ रुपए तक एक्सटेंड किया जाता है कब, जब आपके प्रोग्राम लगते हैं कि हाँ भैया काफी अच्छी संस्थाएं काम कर रही है, इसको एक्सटेंड कर दिया जाए तो ये प्रोग्राम आपके 2 करोड़ रुपए तक के अप टू 2 करोड़ रुपीज तक हो जाता है। कुछ केसेस में अगर आपकी जो कह सकते हैं कि जो कमिटी होती है ना, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की कमिटी है, कुछ केसेस में वो इस अमाउंट को 5 करोड़ रुपए तक का भी कर देती है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि आपको 67% ही डिपार्टमेंट की तरफ से मिलेगा, बाकी का 33% आपको अपनी एनजीओ का कॉन्ट्रीब्यूशन देना होगा। यानी कि अगर आपको 1 करोड़ रुपए मिलता है तो 67 लाख रुपीज आपको डिपार्टमेंट देगा, बाकी के 33 लाख रुपीज आपको अपनी एनजीओ की तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें करना होगा। मैं आपको हर वीडियो के अंत में कुछ बोनस टिप्स बताता हूँ, इसमें भी मैं आपको 3 खास बातें बताऊंगा। सबसे पहली बात आपको ये समझना जरूरी है कि अगर आपकी संस्था है, आप कहते हैं मैं बहुत सारे प्रोग्राम कर चुका हूँ, मेरे पास प्रूफ्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, बहुत अच्छी बात है, आप उसको मेंटेन करिए। अगर आपके पास ये सभी चीजें हैं तो आप इस जो प्रोजेक्ट है, जो हमारा ये अनुदान आया हुआ है, स्कीम आई हुई है, आप इसमें एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब एक बात मैंने आपको बताई थी कि 1 करोड़ का 3 साल में टर्नओवर मांगा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारी संस्थाएं जो नई होती हैं, है ना, वो संस्थाएं, उन संस्थाओं का टर्नओवर इतना नहीं होता है। वो क्या कर सकते हैं, जो हमारा दूसरा वाला प्रोग्राम है जिसमें 5 लाख रुपए तक की सहायता मिलती है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से, उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बिगनर्स हैं, स्टार्टर हैं, उन लोगों को अभी कह सकते हैं छोटे से स्टार्ट करना चाहिए, वो 5 लाख रुपए वाली स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। सेम चीजें होती हैं उसमें आपको 75% तक का अनुदान मिलता है, और आपके लिए एक फायदेमंद चीज ये है कि उसमें बहुत कोई टर्नओवर और ये सब क्राइटेरिया नहीं मांगा गया है, बेसिक रिक्वायरमेंट मांगी गई है, आप उससे शुरुआत कर सकते हैं। एंड दूसरी बात, उन लोगों के लिए जो इस स्कीम में एलिजिबल है, जिनका टर्नओवर कंप्लीट है, जो पुरानी 3 साल पुरानी संस्थाएं हैं, उनके लिए मैं ये बताना चाहूंगा ये स्कीम काफी अच्छी स्कीम है। क्यों? क्योंकि आप इसमें अपने भारत के कल्चर को, अपने एरिया के, जैसे फॉर एग्जांपल आप हिमाचल से हैं, आप छत्तीसगढ़ से हैं, आप बिहार से हैं, आप बंगाल से हैं, तो आपको अपने स्टेट के कल्चर को भी नेशनल लेवल पे प्रमोट करने का एक मौका मिलेगा, नेशनल रिकॉग्निशन आपकी संस्था को मिलेगी, तो इसमें एक बहुत ही अच्छा आपके लिए ऑप्शन रहेगा, ठीक है। और तीसरी चीज, सबसे जरूरी चीज जो होती है, जब आप प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिट कीजिएगा,
बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें मांगे गए हैं, अलग से एफिडेविट, सेल्फ सर्टिफिकेट्स वगैरह मांगे गए हैं, उनको ध्यान से प्रिपेयर कीजिएगा अगर आप अपने आप सबमिट कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को, तो वरना अगर आप चाहते हैं कि हम लोग आपकी मदद करें, आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिट करवाएं, आगे का आपको फ्यूचर सपोर्ट प्रोवाइड करें, तो आपके जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं आप उस पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। हमारी ऑफिस टाइमिंग में आपकी पूरी सहायता की जाएगी, आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी प्रोवाइड की जाएगी, बट हमारी सर्विसेज पेड होती है। दोस्तों हम लोग आपकी मदद कैसे कर पाएंगे समझ लीजिए। सबसे पहले चीज, हम लोग आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल ड्राफ्ट करेंगे, प्रोफेशनली उसको बनाएंगे और डिपार्टमेंट में सबमिट करवाएंगे। अब सेकेंड स्टेप, सेकेंड जो स्टेज होती है उसमें अगर आपके आपके प्रोजेक्ट के लिए कोई शॉर्टकमिंग आती है, कोई डॉक्यूमेंट की क्वेरी आती है, कोई क्लैरिफिकेशन आती है, उसको भी हम आपका शॉर्ट आउट करवाएंगे। जो भी वहाँ से क्लैरिफिकेशन मांगी जाएंगे या डिपार्टमेंट से जो भी फॉलोअप चलेगा उसमें भी हम आपकी पूरी मदद करेंगे। और तीसरा स्टेप, थर्ड और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि फॉलोअप, आप फॉलोअप कैसे करेंगे, किस तरीके से डिपार्टमेंट से आप कम्युनिकेट करेंगे, कैसे आप अपने प्रोजेक्ट रिगार्डिंग बात करेंगे, ये सभी चीज़ें हम आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, फ्यूचर सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप अपनी एनजीओ को आगे बढ़ा सकें, एनजीओ में आप अपनी ग्रोथ ला सकें और सोशल डेवलपमेंट के लिए आप बहुत ज़्यादा डेडिकेशन से वर्क कर सकें। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहे, और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।